हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में एक्चुअली मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। और लास्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया था जो सुपर कंडक्टर्स हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे, और जहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्योर मेटल है और जो इम्प्योर मेटल है उनका बिहेवियर विद द सुपर कंडक्टर्स, राइट? उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो किस टाइप से वेरी करती है। यहाँ प्रॉपर्टीज मैं जो मैं अभी बात करूँगा आपके साथ, तो वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो जो प्रॉपर्टी का है वो मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ये मुझको डिस्कस करना है। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ H और T का एक जो बिहेवियर है एक्चुअली उसको देख लेंगे। तो यहाँ Y एक्सिस पर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी कंसिडर की है, और X एक्सिस पर जो है वो टेम्परेचर को कंसिडर किया है, एंड दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, राइट? सो ये जो X और Y एक्सिस है उनको ऐसे डिफाइन किया है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यहाँ जो है इस वैल्यू के बिलो दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वी ऑब्जर्व द सुपर कंडक्टिविटी। जो कोई मेटल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मरकरी है, दूसरे कोई भी जो मेटल है, उनको जब हम कंसिडर करते हैं तो बिलो ए सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दे शो द बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, राइट? तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर है दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है उसको हम क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, राइट? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एच सी जो वैल्यू है एट दैट पॉइंट, ये जो टेम्परेचर है वो जीरो है। एच सी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो जीरो केल्विन है, और यहाँ जब क्रिटिकल टेम्परेचर की आप बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ओनली ये जो एच है वो जीरो है। तो टी सी जहाँ आपको मिलता है वहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो है, और यहाँ जो टेम्परेचर आप जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दी टेम्परेचर है वहाँ एच की वैल्यू जीरो है। इट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट यू रीच अप टू ए पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू जो ऑफ टेम्परेचर की है वहां पर आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिल चुकी है। अब बिलो दैट आप कोई भी वैल्यू चलेंगे, कोई भी टेम्परेचर कंसिडर करेंगे, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि बिलो दैट सर्टेन वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे बिलो दैट इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तभी आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलेगी। तो यहाँ आप इस पॉइंट को इस वे में ऑब्जर्व करते हैं इनसाइड द बुक। तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो ये एक बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन के अंदर जो है आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलती है, यहाँ आपको मिलेंगी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और इसके बाहर जो मिलेगी नॉर्मल स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ नॉर्मल स्टेट है वहाँ पर वो जो मेटल है बिहेव करता है एज ए नॉर्मल कंडक्टर, और जो उसके इनसाइड है जहाँ हम लिख रहे हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वहाँ वो बिहेव करता है लाइक सुपर कंडक्टर। तो अब ये जो वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर है, फॉर एन एग्जाम्पल T1, यहाँ जो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की है, फॉर एन एग्जाम्पल H1, बोथ आर बिलो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर। सो T1 इज लेस देन TC एंड H1 इज ऑल्सो लेस देन HC। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये जो पॉइंट आपको यहाँ मिला है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ ये दो जो पॉइंट हैं आपके H और T वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, राइट? इसके बाद आप कोई भी पॉइंट ले लें इस बाउंड्री लाइन पर, तो यहाँ एक एच की सर्टेन वैल्यू होगी और एक टेम्परेचर की होगी, राइट? ओनली देन
यू कैन ऑब्जर्व दी सुपर कंडक्टिविटी. सो उसको फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे डिफाइन किया हुआ है कि एच सी एट एनी टेम्परेचर, राइट, ये जो वैल्यू है एच वन, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, एच सी क्रिटिकल वैल्यू ये जो है एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो केल्विन, राइट, एच ये आया, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वन माइनस टी अपॉन टी सी होल स्क्वायर. तो ये जो एच है इसको आप इस वे में फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ जो एच सी एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसको आप थोड़ा स्पेसिफाई कर लीजिए कि एच सी की ये जो वैल्यू है एट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन, ये वैल्यू है, राइट. और ये जो टी है ये कौन सा टी होगा, ये टी है जिस पर आप इस एच को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, किस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर. तो ये टी वो टेम्परेचर है, रेंडम टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर बट बिलो द क्रिटिकल वैल्यू, एंड टी सी दिस टी सी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, राइट, दिस वन वेयर यू ऑब्जर्व एच इज इक्वल टू जीरो. सो एट दिस पॉइंट आई होप कि ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसका रोल क्या है इनटू द सुपर कंडक्टिविटी. अगर आप एच सी के बियॉन्ड जाएंगे तो आपकी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स हैं वो वैनिश हो जाएंगी, एंड यू विल गेट द बिहेवियर किस टाइप का, जो कि नॉर्मल कंडक्टर का होगा. क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के आगे जाएंगे तो भी वो जो सुपर कंडक्टर है बिहेव करेगा लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर, राइट. तो इसी से जुड़ी एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, एंड आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर किया है कि लेड इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हैज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 6.2 केल्विन एट जीरो मैग्नेटिक फील्ड. तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ये, और यहाँ वैल्यू एच की कितनी, जीरो, ये मेंशन किया. तो ये टी सी कितना हुआ, 6.2 केल्विन. एंड देन आफ्टर क्या बोल रहे हैं, एंड ए क्रिटिकल फील्ड ऑफ 8.5 टेस्ला, एच सी जो क्रिटिकल फील्ड है ऑफ 8.5 टेस्ला एट दिस पॉइंट. तो ये क्या हुआ, एच सी, एच सी भी गिवन है एट जीरो केल्विन. डिटरमाइन द क्रिटिकल फील्ड एट 4.2 केल्विन. फॉर एन एग्जांपल ये 4.2 केल्विन है वो टेम्परेचर, तो इस पॉइंट के सामने ये जो एच है इसको वो पूछ रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो T इज इक्वल टू दिस 4.2 के. हम लोगों के पास फार्मूला जो है इस प्रॉब्लम के लिए ये है कि आप किसी भी टेम्परेचर पर H जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जो क्रिटिकल वैल्यू होगी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कैसे फाइंड आउट करते हैं, H T इज इक्वल टू एच सी, T इज इक्वल टू जीरो, वन माइनस टी अपॉन टी सी होल स्क्वायर. तो यहाँ एच सी वैल्यू गिवन है, ये 8.5 टेस्ला ये गिवन है, टी जो 4.2 आपको बोला था वो गिवन है, टी सी क्रिटिकल वैल्यू 6.2 केल्विन ये भी गिवन है. इन सबको सिंप्लीफाई किया, यहाँ केल्विन से केल्विन कैंसल आउट होगा, ओनली ये टी बचेगा आपके पास. तो 8.5 इंटू इसको सिंप्लीफाई किया इस वे में तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 4.64 टेस्ला मिलेगी. तो अब अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें तो 4.64 जो वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि 4.2 था, और ये 4.2 भी जो है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, 6.2. तो इसके नीचे जो भी कोई टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ एच जो है एच एच सी से कम होगा, एच सी की वैल्यू 8.5 है, तो आपने जो फाइंड आउट किया है वो 4.64 फाइंड आउट किया है अप्रोक्सीमेटली, राइट. तो इस तरह से आप जो है ये फॉर्मूला का जो कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं. तो किसी भी टेम्परेचर पर आप क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि अप्लाई किया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. और इन वैल्यूज के अबव जो भी होगा वो आपका सुपर कंडक्टिविटी जो स्टेट है वो वैनिश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, और जो सुपर कंडक्टर है वो बिहेव करेगा लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर. तो ये तो हुआ आपका क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, राइट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट यू कैन कमेंट.